अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 15 खरगोश और हाथी। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करता है इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। विद्यार्थी मित्रों, एक जंगल में एक सरोवर था। एक जंगल में एक सरोवर हतु। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। सरोवर ना किनारे भीनी जमीन हती। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। त्या घना बधा ससला रहता हता। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। ससला ना दर जमीन नी अंदर हता। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते। ते आखो दिवस आम तेम कूदता रहता। नरम नरम घास खाते। कुणो कुणो घास खाता। रात को अपने घरों में सो जाते। रात्रि पोताना घर में सुई जाता। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। ते बदा खूब खुश रहता हता। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। एक जंगल में केटला हाथी आवी चढ़या। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। हाथियों ना टोड़ा में केटला तूफानी हाथी हता। वे अपने सुंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। ते पोतानी सुंड थी नाना नाना झाड़ तोड़ी नाखता। पौधे कुचल देते। छुड़वाओं ने कचड़ी नाखता। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। हाथियों ना बच्चा रमत रमत में एक बीजा थी झगड़ता। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। क्यारेक एक नानो हाथी नीचे हो तो क्यारेक बीजो। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथियों ने पानी खूब गमे छे। वे सुंड से पानी भर भर कर नहाते। ते सुंड में पानी भरी भरी ने नहाता। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोटते। पछी सरोवर ना किनारे माटी में आलोटता। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। नरम जमीन तेमना भार थी दबाई जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। तेनी साथे कितला ससला ना कुटुंब पण दबाई जाता। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। आनाथी ससला खूब दुखी हता। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। ससला ना आगेवा ने एक उपाय विचारे। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। केटला पसंद करेला ससला साथे थे हाथियों ना आगेवान पासे गए। कुछ दूरी पर बैठे खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। थोड़ा दूर बैसी ने ससला ना आगेवान ने पोताना आगळना पांव ऊंचा करला। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया। तेमने तेमने हाथ जोड़ीने नमस्कार करया। हाथी ने सुंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। हाथी ए पण सुंड उठावीने नमस्कार नो जवाब आप्यो। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। ससलावनो आगेवान बोल्यो, अमे चंद्रना भाणेज छीए। चंद्रमा तमे अमारा भाई बंधुओं ने जोई सको छो। अमारा केटला भाईओ पृथ्वी ऊपर रहवा आव्या छे। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। मामा रोज अमने मळवा सरोवर में आवे छे। वे आपसे नाराज है। ते तमारा थी नाराज छे। हाथी बोला, क्या क्यों नाराज है, हमने क्या किया है। हाथी बोल्यो, शू सा माटे नाराज छे, अमे शू कर्यु छे। खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। ससलो बोल्यो, सरोवर ने नजीक नरम माटी में बखोल करीने अमे अमारा घर बनाव्या छे। तमारा आववाथी बखोलो दबाई गई, तेनाथी चांदा मामाना घणा बधा भाणेज दबाई गया, एटला माटे ते तमाराथी खूब नाराज छे। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। ससलो आगळ बोल्यो, तेओ रात्रे सरोवरमां आवशे अने तेमने आ જોઈને સારું નહીં લાગે। રાત હોઈ, પૂર્ણમાસી કા ચાંદ નીકળા। હવા તેજ થી, સરોવર મેં હલકી હલકી લહેરે ઉઠ રહી થી। ચાંદ લહેરો કે સાથ ઉપર નીચે હો રહા થા। રાત પડી, પૂનમનો ચંદ્ર નીકળ્યો। પવન જોશથી વાતો
હતો। સરોવરમાં નાના નાના મોજા ઉછળી રહ્યા હતા। ચંદ્ર મોજાની સાથે સાથે ઉપર નીચે થઈ રહ્યો હતો। હાથી ઓર ખરગોશ વહાં પહોંચ ગયે। ખરગોશ બોલા, દેખીએ મહારાજ, ચંદા મામા ગુસ્સે સે કાંપ રહે હૈ। આપ જલ્દી યહાં સે દૂર ચલે જાય, લગતા હૈ મામા બહુત નારાજ હો રહે હૈ। હાથી અને સસલો ત્યાં પહોંચી ગયા। સસલો બોલ્યો, જુઓ મહારાજ, ચાંદા મામા ક્રોધથી કાંપી રહ્યા છે, તમે જલ્દી અહીંથી દૂર ચાલ્યા જાઓ, લાગે છે મામા ખૂબ નારાજ થઈ રહ્યા છે। હાથીઓ કે સરદારને અપની ઝુંડ કી તરફ દેખા, સભી ડર ગયે થે। સરદારને અપની સુંડ ઉપર ઉઠાઈ, સભી હાથીઓને એસા હી કિયા। હાથીઓના આગેવાને પોતાના ટોળા તરફ જોયું, બધા ડરી ગયા હતા। આગેવાને પોતાની સુંડ ઉપર ઉઠાવી, બધા હાથીઓએ પણ એવું જ કર્યું। અબ સરદાર બોલા, ચમકતે હુએ ચાંદ કો હમારા નમસ્કાર, હમ અપની ગલતી માનતે હુએ આપસે ક્ષમા માંગતે હૈ, આપ હમે ક્ષમા કરે, હમ સભી દૂસરે જંગલ મેં ચલે જાતે હૈ, અબ એસા કામ નહીં કરેંગે જિસસે દૂસરો કો તકલીફ હો। આગેવાન બોલ્યો, ચમકતા ચંદ્રને અમારા પ્રણામ, અમે અમારી ભૂલ સ્વીકારીને તમારી માફી માંગીએ છીએ, તમે અમને માફ કરો, અમે હમણાં જ બીજા જંગલમાં ચાલ્યા જઈએ છીએ, હવેથી બીજાઓને તકલીફ થાય એવું કામ નહીં કરીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇસ કહાની સે હમે યહ સીખ મિલતી હૈ કે હમે કભી ભી દૂસરો કો તકલીફ હો એસા કામ નહીં કરના ચાહીએ, હમે હંમેશા દૂસરો કે બારે મેં સોચ કર હી કુછ કામ કરના ચાહીએ।